सारी मासूम सी खुशियाँ। क्यों रो रहे हो? चल गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज का डे होने वाला है मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक, बिकॉज आज छुट्टी होने वाली है तो दिया घर आने वाली है। तो नाम अभी तो दिया रखा हुआ है, बट आगे नाम शायद चेंज हो जाएगा। ये मेरी मर्जी का नाम था, बट उसकी बुआ बोले नहीं नहीं नाम चेंज करना है। थोड़ा बहुत डेकोरेशन वगैरह वेलकम के लिए, केक वगैरह है ना, काफ़ी कुछ करना है। और राधिका को लेके भी आना है हॉस्पिटल से मैं नहीं, और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी वो करने, टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। तो पहले तो राधिका को ब्रेकफास्ट देने जा रहा हूँ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी बहुत दूर है यार घर से। उसके बाद मैं जाऊँगा मार्केट, वहाँ से सामान लेना है, बहुत कुछ करना है। तो लेट्स गो गाइस, आज हो चुकी है छुट्टी, अभी भी मतलब हुई तो नहीं, रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं। बनी के ब्लड सैंपल्स गए हैं, उसके बाद ब्लड सैंपल्स आएंगे, फिर छुट्टी हो जाएगी आज। तो राधी के ड्रिप्स आज उतरने वाले हैं, और मम्मियाँ बाल बांध रहे अपनी बेटी के, प्यारी बेटी मम्मी यहाँ पे अपनी प्यारी पोत्री मैं मुंह छुपा रहा हूँ, मम्मी दिखा रहे नारन के बाद दिखाना ना, नामकरण के बाद। हम लोग गाइस नामकरण के बाद फेस रिवील करेंगे, बिकॉज हमारा रिचुअल होता है, उससे पहले दिखा नहीं सकते, तो इस चीज़ के लिए सॉरी। काफ़ी लोगों ने देख भी लिया हुआ वैसे, है ना, कौन पूजे वो कर। हाँ तो अब घर पहुँचते हैं और मिलते हैं आपको। सुबह केक ले चुके हैं, कोई भी मतलब कस्टम केक नहीं लिया, बनाया नहीं है, बना बनाया जो था वो हमने वो ले लिया, बिकॉज टाइम बिल्कुल भी नहीं था और अकेले सब कुछ करना था। इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी हो रही थी मेरी तो भाई, अकेले नहीं होता यार, बहुत मुश्किल है भाई, इधर भी जाओ उधर भी जाओ, है ना, बहुत मुश्किल है। तो जैसे तैसे चल केक ले लिया, अभी हमारा जो वो होता ना नामकरण, उसमें कस्टम केक बनवाऊंगा तब कटवाऊंगा। तो अभी तो चलो घर पे वेलकम करने के लिए छोटा सा केक लिया। तो भाई घर पहुंच चुके हैं और थोड़ा बहुत डेकोरेशन हो चुका है, आपको दिखाता हूँ। हल्के से बाहर थोड़े से बैलून लगाए हैं, और अंदर जाते ही ऐसे वेलकम बेबी ये वाला लगाया हुआ हमने, वेलकम बेबी ले गए जाके। गर्ल में तो लिखे ही बेबी गर्ल, बेबी गर्ल एला के वन से, तो एला के वन बेबी गर्ल से ना होने वाला। गाइस अब मैं जा रहा हूँ राधिका को लेने के लिए, बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया, कपड़े भी नहीं बदल पाया, बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया यार आज, भागा दौड़ी अकेले बहुत ज़्यादा मुश्किल है देखा। और ना मैंने ये चीज़ देखी है, हॉस्पिटल दूर नहीं होना चाहिए घर से, ये चीज़ जब भी आप डिलीवरी का टाइम हो ना बहुत ध्यान देना यार, हॉस्पिटल दूर होगा ना भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा होती है, ऊपर से ट्रैफिक ये वो। अब बस मैं ये देखो राधिका को लेने पहुँच रहा हूँ, अब मेरा शुक्र है एक दो अपने फ्रेंड्स थे उनको मैंने बोल दिया कि दो तीन आइटम्स मैं भूल गया था ला देना, तो उन्होंने बोल दिया हाँ ला दूंगा। तो अब राधिका को बुलाते हैं। और एक और चीज़ होगी यार, पता क्या हुआ, मैंने राधिका को बोला था कि मैं कोई डेकोरेशन नहीं करवा रहा हूँ, लेट हो गया मैं, हैक्टिक हो गया, भागा दौड़ी होगी, तो नेक्स्ट टाइम जो नामकरण होगा ना तब करवाएंगे, मैंने उसको ऐसा बोला राधिका को। तो गाइस मेरी किस्मत इतनी ख़राब, मैंने ना बेड में फ़ोन रखा था, डेकोरेशन वाले का फ़ोन आ गया, राधिका ने ऐसे पढ़ लिया डेकोरेशन वाले का नंबर, उसको पता तो लग गया है, बट चलो कोई बात नहीं। फाइनली हम लोग सारे आ चुके हैं और राधिका बैठ चुके गाड़ी में, और फर्स्ट टाइम बैठी है बाबू हैं, फर्स्ट टाइम हमारी कार में बैठी, फर्स्ट टाइम कार में बैठी और एसी खराब है कार की। मम्मी पैर तो लगवा दो उसका एक बारी सीट में, लक्ष्मी का पैर लगेगा तो क्या पता और बड़ी गाड़ी आ जाए कि नहीं। चलो बैठ गए, तो अब घर चलते हैं और आपसे मिलते हैं। मम्मी भी बताएंगे, मम्मी आपको कैसे लगा हॉस्पिटल? हॉस्पिटल बहुत अच्छा लगा, साफ सुथरा भी, हॉस्पिटल के स्टाफ बहुत बहुत अच्छे हैं, सब ने बड़े अच्छे से ट्रीट किया, सही बात है, सब बहुत अच्छे लगे। मतलब एक होते हैं ना कोई कोई ऐसे स्टाफ ना काफी रूड टाइप होते हैं, समझ रहे हो, बट ये वाले स्टाफ ना काफी फ्रैंक, हाँ फ्रैंक थे और पोलाइट थे, कुछ भी पूछो या फिर है ना। और क्या कहते हैं रात को जैसे 2 बजे 3 बजे दीदी उठ के चेक करने आते थे कि आप ठीक हो, कुछ चाहिए पूछने के लिए आते थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं इसलिए आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूं। हम लोग निकल चुके हैं, अभी हम रास्ते में थोड़ा कुछ सामान लेना था, दीपक कह रहे मेरे को कुछ आइडिया नहीं क्या है क्या नहीं है, तो वो लेने गए बाहर और मम्मी बैठे पीछे। वो देखो उसको बहुत गर्मी लगती है, इसको अभी से इतनी गर्मी लगती है, मैंने तो सुना था छोटे बच्चों को ठंड लगती है, पर मुझे ना ऐसे लगा कि इसको ठंड लग रही है, मैंने एसी बंद कर दिया था, जैसे एसी बंद कर दिया ये तो उठ गई, उठ के ना कपड़े कपड़े इधर उधर फेंक के ऐसे कर पसर के सोने लगी,
मैंने कहा फिर डॉक्टर भी कहते हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा है, बच्चों को भी गर्मी लगती है, ज्यादा कवर करोगे तो फिर रैशेज पड़ जाएंगे। तो गाइस राधिका आ चुकी है और नानू भी आ चुकी है। आओ नु, ओए हे लक्की, लक्की बाप को यार कुछ मानते ही नहीं, गलत बात है। पहले गेट में करो, फिर हनुमान में करना है। हाँ पहले गेट में टीका पैर में लगा दो, पैर में लगा दो, पैर में। गाना क्या है? बार बार दोनों 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 ओ हाँ ये हुआ ना, दूसरा भी काट दो तो। पापा क्यों रो रहे हो? पापा रोना है यार। आओ ना, वेरी गुड वेरी गुड, वेलकम वेलकम माय बाबू। गोरिल्ला आ गया, बैठो जा जाओ उधर बैठो। चलो 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 चल गोरा गोरिल्ला, वेलकम वेलकम वेलकम, सबको वेलकम, आ जाओ। चलो ऐसा लग रहा घर आके है, मुझे एक्सपेक्ट यही था है? है? जाओ यार नहीं मुझे एक्सपेक्टेशन थी, बट ये नहीं पता था ना कि आपने सच में है। इसने डेकोरेशन वाले का नंबर देख लिया था पहले, इसको सब पता था, झूठ बोल रही है। वेलकम वेलकम, तालियां मारो, सब ताली मारने बोले। तो गाइस आज नेक्स्ट डे, गुड़िया का स्वागत घर पे हो चुका है प्रॉपर। तो यहाँ पे राधिका कपड़े तय लगा रही है गुड़िया के, कैसा लग रहा है? अब कैसी लगी एंट्री ये बताओ? बहुत अच्छी, खुश हो? हाँ, एक्सपेक्ट यही था कि कुछ हो, बट जैसे आप बोल रहे थे मेरे पास टाइम नहीं था, पता है। अच्छा लगा, आप यही चाहते थे ना, आप चाहते थे शुरू से बोलते थे ना। अगर यहाँ पे ये जो डेकोरेशन है इसका भी लुफ्त उठा नहीं पाए हम लोग, मतलब अभी हमने एक भी वीडियो नहीं बनाई इसमें। हम सोच रहे थे एक दो रील्स बना ले, कुछ बना ले, बट जब आई राधिका तो थक गई थी और गुड़िया भी सो गई थी, है ना। आज बनाए, आज आज बनाते हैं ना बहुत सारे। और तेजस तो बहुत प्यार करता है अपनी बहनी को, है ना तेजस? बहुत प्यार करते हो ना, ये देखो कैसे इसके पास बैठा रहता है ना। हाँ राधिका, मैं तो बहुत खुश। नाम कैसा लगा आपको कि चेंज करेंगे? नाम देखते अब वो पंडित क्या बोलेंगे, बाकी कौन से अक्षर से आएगा नाम। गई लेटर जो आया था वो डी आया था, तो उस लेटर के अकॉर्डिंग हमने दिया रख दिया था, वो क्योंकि प्रेशर था थोड़ा, सोची कोई नाम नहीं सुजेस्ट होता तो दिया रखा था, तो सर्टिफिकेट में तो दिया है, बट बोलने के लिए शायद चेंज भी कर सकते, कुछ नहीं पता। आप लोग बताओ नाम कैसा लगा। बाकी गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको और बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारी वीडियोज रात रात को जो हम जागते हैं वो सब आपको दिखाएंगे। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।